अमेरिका ने T20 विश्व कप 2024 का सबसे बड़ा उलटफेर करते हुए पाकिस्तान को सुपर ओवर में हराकर इतिहास रच दिया है। ये अमेरिका की पाकिस्तान के खिलाफ क्रिकेट के किसी भी फॉर्मेट में पहली जीत है। पाकिस्तान की इस हार के साथ ही ग्रुप ए की पॉइंट टेबल का पूरा समीकरण बदल गया है। अमेरिका से हार के बाद पाकिस्तान के ग्रुप स्टेज से भी बाहर होने का खतरा बढ़ गया है। साथ ही अमेरिका के इस उलटफेर के बाद पॉइंट टेबल में भारत को भी नुकसान उठाना पड़ा है। दरअसल 6 जून को पाकिस्तान और अमेरिका के बीच मैच खेला गया था। इस मैच में टॉस हारकर पहले बैटिंग करते हुए पाकिस्तान ने 159 रन बनाए, जिसके जवाब में अमेरिका भी 20 ओवर में इतने ही रन बना पाया और मैच सुपर ओवर में गया। सुपर ओवर में पहले बल्लेबाजी करते हुए अमेरिका ने 18 रन बनाए, जिसके बाद पाकिस्तान को मैच जीतने के लिए 19 रन बनाने थे। भारतीय मूल के बॉलर सौरभ नेत्रवालकर ने अमेरिका की तरफ से सुपर ओवर में गेंदबाजी की थी। पाकिस्तान बल्लेबाज सौरभ नेत्रवालकर की गेंदों पर रन बनाने के लिए तरसते रहे। सौरभ नेत्रवालकर के सुपर ओवर में पाकिस्तान के बल्लेबाज 13 रन ही बना सके और 5 रनों से पाकिस्तान टीम हार गई। रन चेस करते हुए यूएसए टीम की तरफ से कप्तान मोनांक पटेल ने सबसे ज्यादा 50 रन बनाए, वहीं एड्रियस गॉस ने 35 रन बनाए। इसके अलावा आरोन जोन्स 36 रन और नीतीश कुमार 14 रन बनाकर नॉट आउट रहे। यूएसए की पारी के आखिरी ओवर की बात की जाए तो जब उन्हें 15 रन चाहिए थे, उस समय नीतीश कुमार के साथ आरोन जोन्स बल्लेबाजी कर रहे थे। पाकिस्तान की तरफ से 20वां ओवर हारिस रऊफ ने फेंका। इस ओवर की पहली 3 गेंदों पर सिर्फ 3 रन आए। आरोन जोन्स ने ओवर की चौथी गेंद पर छक्का लगाकर मुकाबले को रोमांचक बना दिया, लेकिन 5वीं गेंद पर 1 रन आने से अब यूएसए की टीम को आखिरी गेंद पर जीत हासिल करने के लिए 5 रन चाहिए थे और सभी की नजरें नीतीश कुमार पर टिकी हुई थी। इसके बाद नीतीश कुमार ने हारिस रऊफ की लॉ फुल टॉस गेंद पर जगह बनाते हुए उसे मिड ऑफ के ऊपर से खेल दिया, जो सीधे चौके के लिए चली गई, जिसके बाद मैच सुपर ओवर में चला गया। इस जीत के बाद अमेरिका के पास सुपर 8 स्टेज में क्वालिफाई करने का बहुत बड़ा मौका है। अमेरिका ने ग्रुप स्टेज के अपने पहले मुकाबले में कैनेडा को हराया था, जिसके बाद उसने पाकिस्तान को हराया है। अमेरिका के अब 2 मैचों में 4 अंक हो गए हैं। इसी के साथ यूएस ग्रुप ए की पॉइंट टेबल में टॉप पर है। अमेरिका को अभी भारत और आयरलैंड के खिलाफ मैच खेलने हैं। अगर अमेरिका 12 जून को होने वाले मैच में भारत से हार जाती है तो भी उसके पास सुपर 8 में पहुंचने का मौका होगा, लेकिन अमेरिका को 14 जून को होने वाले अपने आखिरी लीग स्टेज के मैच में आयरलैंड को बड़े मार्जिन से हराना होगा। अमेरिका से मिली हार के बाद पाकिस्तान के ऊपर ग्रुप स्टेज से बाहर होने का खतरा मंडरा रहा है। पाकिस्तान को अब भारत, कनाडा और आयरलैंड के खिलाफ मैच खेलना है। पाकिस्तान का भारत के खिलाफ T20 विश्व कप में रिकॉर्ड काफी खराब रहा है। दोनों टीमों के बीच T20 वर्ल्ड कप में अब तक 7 मैच खेले जा चुके हैं। इसमें से 6 मैचों में भारत ने पाकिस्तान को हराया है, जबकि पाकिस्तान सिर्फ 1 बार ही जीता है। T20 विश्व कप 2024 में भारत पाकिस्तान का मैच 9 जून को न्यूयॉर्क में भारतीय टाइम के अनुसार 8 बजे खेला जाएगा।